बरेली में सिपाही की बर्थडे पार्टी के दौरान कैंट थाने में तैनात दरोगा गोली लगने से घायल हो गया। दरोगा के साथ ही पुलिसकर्मियों ने आनंद फानंद में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। दरअसल फरुखाबाद निवासी संजय सिंह बरेली के कैंट थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। दरोगा संजय सिंह अपने साथी सिपाही के बर्थडे पार्टी में शामिल होने युगबीड़ा पैलेस में गए। उसी दौरान दरोगा संजय सिंह की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली, जिसमें वह घायल हो गया। उधर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि निजी पार्टी के दौरान दरोगा गोली लगने से घायल हुआ है, उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। निजी पार्टी के दौरान कौन लोग शामिल हुए थे, क्या वजह थी कि दरोगा के गोली लगी, जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बरेली से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और थाना कैंट में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर संजय सिंह को गोली लगी है। गोली संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है। अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट फंक्शन में ये थे और उसमें इनको गोली लगी। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने जो बताया है उसमें इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना किन कारणों से किन परिस्थितियों में उस प्राइवेट पार्टी में हुई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। और वर्तमान में जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।